हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में तीसरा वीडियो डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम SSC GLTR फर्स्ट के दो वीडियो डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को उन वीडियो को देख सकते हो। क्योंकि SSC CGL का कल से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, तो GK का रिविजन बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, आपको बताऊँगा कि SSC बोर्ड द्वारा जो एग्ज़ाम आयोजित कराए जाते हैं उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेड होते हैं। तो जो मैं क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ, प्रीवियस ईयर है, ऑल 43 शिफ्ट कराने वाला हूँ। इससे पहले मैं 25 शिफ्ट करा चुका हूँ, जो बाकी की 18 शिफ्ट बची है वो इस वीडियो में डिस्कस वो आने वाले दो वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको 5 शिफ्ट कवर कराऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आपके इनमें से आने वाले जो शिफ्ट है, आने वाले दिनों में एग्जाम है, जो कल से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो आपके क्वेश्चन जरूर मिलेंगे इसमें से। एक बार इस वीडियो को जरूर देखिए, और GK का जो पिछली शिफ्ट में पिछले बाय पेपर होते हैं उसमें जो क्वेश्चन आते हैं उनको एक बार रिविजन जरूर कर लीजिए। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। 26 शिफ्ट, इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस से देश का सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त नहीं होता है। कृषि क्षेत्र से होता है, औद्योगिक क्षेत्र से होता है, सेवा क्षेत्र से होता है, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र। इसका आंसर हो जाएगा, जो किसी भी देश को GDP होती है उससे, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र से, इंटरनेशनल जो सेक्टर होता है उससे घरेलू सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त नहीं होता किसी भी देश को। क्वेश्चन नंबर 123वां, जो GK का दूसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा समान मात्रा उन दो आगतों के समांक संयोगों का सेट होता है जो कि समान अधिकतम संभावित स्तर पर निर्गत प्राप्त करता है। इकोनॉमिक क्वेश्चन आगे चलते हैं। 128वां, सलाह संबंधित क्षेत्र अधिकार, इसका आंसर हो जाएगा सलाह संबंधित क्षेत्र अधिकार के अनुसार भारत का राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी भी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है। सलाह संबंधित क्षेत्र अधिकार होता है जिसके अनुसार भारत का राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सलाह संबंधित क्षेत्र अधिकार। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 129 की ओर। सिक्किम में कुल संसदीय सीट की बात की जाए राज्यसभा में, तो संसद में सिक्किम में कुल एक संसदीय सीट है राज्यसभा के अंतर्गत। तो इसका आंसर हो जाएगा एक। सिक्किम में कुल कितनी सीटें? एक सीटें हैं राज्यसभा के अंतर्गत। दोस्तों, भी हाल ही में चुनाव हुए थे क्षेत्रीय लोकसभा के। एक दिन पूछा जा सकता है कि कौन से लोकसभा के हाल ही में चुनाव हुए थे, वो हुए थे क्षेत्रीय लोकसभा के। तो दोस्तों, अभी चुनाव हुए थे, इसके अनुसार एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, पॉलिटिकल संबंध क्वेश्चन आ सकते हैं। राज्यसभा लोकसभा की सीटों को आपको याद कर लेना है, जो जितने भी भारत में राज्य हैं उन सभी की लोकसभा और राज्यसभा की सीटों को आपको याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है वो। और वहाँ के मुख्यमंत्री और गवर्नर और कैपिटल आपको याद करनी है सभी राज्यों की, क्योंकि अभी जो RRGAB का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए थे, इसलिए इसमें पूछा जा सकते हैं। क्योंकि एक ही जो कंपनी है TCS कंपनी, वही रेलवे की और SSC के एग्जाम करवा रही है, इसलिए सेम वही क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। तो सिक्किम में पूछा जाए कुल संसदीय राज्यसभा सीटें कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक। आगे चलते 130वां, दारा सिंह को अपने भाई के साथ संघर्ष में मारा गया। दारा सिंह का भाई औरंगजेब था जिसके साथ युद्ध करते हुए दारा सिंह को संघर्ष में मारा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब। आज चलते क्वेश्चन नंबर 131वां, अल-बरेनी द्वारा अरबी में लिखित किताब जिसमें उपमहाद्वीपों का लेखा जोखा मिलता है, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा किताब उल हिंद। जो अल-बरेनी द्वारा लिखी गई थी अरबी में किताब, उसका नाम क्या है? किताब उल हिंद है। क्वेश्चन नंबर 131वां, अल-बरेनी द्वारा अरबी में लिखित किताब जिसमें उपमहाद्वीप का लेखा जोखा मिलता है, उस पुस्तक का क्या नाम है? तो उसका आंसर हो जाएगा किताब उल हिंद, इसका उस पुस्तक का नाम हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 132वां, जून 2017 तक भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? जिसका आंसर हो जाएगा 7। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। भारत में कुल 7 केंद्र शासित प्रदेश है, जून 2017 तक पूछा था, और वर्तमान में भी 7 ही केंद्र शासित प्रदेश है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 133वां, भारत का उत्तरी मैदान किससे मिलकर बना है? जिसका आंसर होगा जलोन मृदा से मिलकर बना है, जिसको इंग्लिश में एलिवेल सोयल बोला जाता है। तो भारत का उत्तरी मैदान जलोन मृदा से मिलकर बना है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 134वां, शेर, चीता और टाइगर ये सभी स्पीसीज किस वंश में आती है? इसका आंसर हो जाएगा पेंथरा। शेर, चीता, टाइगर ये सभी स्पीसीज पेंथरा वंश में आती है। क्वेश्चन नंबर 135वां, इसमें आपको ब्लैंक में आपको आंसर बनना है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोएम तंतु स्केलेटल कायमी कोशिकाओं के बने होते हैं। ये प्राथमिक फ्लोएम में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन ये द्वितीयक फ्लोएम में रहते हैं। अभी बता देता हूँ, जो फ्लोएम तंतु होते हैं वो स्केलेटल कायमी कोशिकाओं के बने होते हैं, ये प्राथमिक फ्लोएम में नहीं पाए जाते, जबकि ये द्वितीयक फ्लोएम में रहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा फ्लोएम तंतु। क्वेश्चन नंबर 136वां, सिलेंटेटा, टीनोफोर और एकाइनोडर्मस की शरीर
सममिति किस प्रकार की होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरी है, रेडियल प्रकार की होती है। जो सिलेंट्रेटा है, टीनोफोर है और एकाइनोडर्म की शरीर सममिति किस प्रकार की होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरी है, जिसको इंग्लिश में रेडियल बोलते हैं, रेडियल प्रकार की होती है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 37वां। यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश ग्रसित करने वाले यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल स्थिर रहती है तो उस वस्तु की चाल को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक समान, यूनिफॉर्म कहा जाता है, एक समान कहा जाता है। यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल स्थिर रहती है तो उसे वस्तु की चाल को एक समान चाल कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म या एक समान चाल। क्वेश्चन नंबर 138वां। बल की प्रबलता प्रायः किससे मापी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा परिमाण से मापी जाती है। जो बल की प्रबलता है वो प्रायः इसके परिमाण से मापी जाती है, जिसको इंग्लिश में मैग्नीट्यूड बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा परिमाण। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139वां। ब्लैंक यहाँ पे आप कौन सा बनना है? एक भंडारण युक्ति नहीं है। चार में से आपको बताने की कौन सी एक भंडारण युक्ति नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा लिनक्स। लिनक्स एक भंडारण युक्ति नहीं है, जबकि आईपॉड, पेन ड्राइव और फ्लैक्स डिस्क है, यह भंडारण युक्ति है जो स्टोरेज का काम आती है, जबकि जो लिनक्स है यह ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 140वां। आपको बताने मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जब दोनों एक रिएक्शन करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा MgO। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141वां। अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उदासीनीकरण। जब अम्ल और क्षारक दोनों एक साथ क्रिया करते हैं, दोनों को एक साथ क्रिया कराते हैं तो उदासीनीकरण बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रलाइजेशन। अम्ल क्षारक दोनों एक साथ मिलते हैं तो उदासीनीकरण बनते हैं। अम्ल होता है सात से छोटा और क्षार होता है सात से बड़ा। जब दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो सात उसका पीएच मान होता है सात, जिसका पीएच मान होता है सात और जो होता है न्यूट्रल, उसको उदासीनीकरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 142वां। एक आकलन के अनुसार शीतोष्ण क्षेत्र में केवल 1% वन पाए जाते हैं, वन नष्ट हुए हैं, जबकि उष्णकटिबंधीय में लगभग कितने प्रतिशत वन नष्ट हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 40%। एक आकलन के अनुसार बताया गया कि शीतोष्ण क्षेत्र में केवल 1% ही वन नष्ट हुए हैं, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में 40% वन नष्ट हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 40%। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 143वां। केंद्र सरकार द्वारा यहाँ पे आपको बताना ब्लैंक में आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई है, जो कि एक नवीन कृषि फसल बीमा योजना है, जिसका उद्देश्य देश में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना है। अभी बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 143वां। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई है, जो कि एक नवीन कृषि फसल बीमा योजना है, जिसका उद्देश्य देश में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 144वां। प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अंड्रेस रदरफोर्ड के द्वारा प्रोटॉन की खोज की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 145वां। 2017 इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट का विजेता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई इंडियंस। जो 2017 में जो IPL हुए थे उसमें विजेता टीम कौन सी रही थी? तो उसका आंसर हो जाएगा मुंबई इंडियंस। और अभी हाल ही में जो 2019 में IPL हुए थे उसकी विजेता टीम भी मुंबई इंडियंस रही थी। तो 2017 का और 2019 का एक ही टीम जीती थी, मुंबई इंडियंस। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 146वां। धामे किस्तु भारत के किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुणे में। इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी। जो धामे किस्तु है वो भारत के वाराणसी क्षेत्र में स्थित है। वाराणसी की बात की जाए तो वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 147वां। निम्नलिखित में से ग्रैमी पुरस्कार 2016 वर्ष का सॉन्ग ऑफ द ईयर विजेता कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा थिंकिंग आउट लाउड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? थिंकिंग आउट लाउड। जो 2016 में ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था सॉन्ग ऑफ द ईयर को, उसका विजेता कौन था? तो इसका विजेता था थिंकिंग आउट लाउड, इसका विजेता था। क्वेश्चन नंबर 148वां। इसमें आपको कथन दे रखा है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों ही कथन सही है। उपन्यास डोजर्स के लेखक डॉन विंसलो है, ये भी सही है। उपन्यास 43 उसके लेखक बिल बेवली है, ये भी सही है। उपन्यास द करेक्शन के लेखक थॉमस पेरी है, ये भी सही है। तो तीनों सही है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 149वीं की ओर। 2016 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित मानव विकास सूचकांक में ऑस्ट्रेलिया की श्रेणी क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरी। 2016 में UNDP के द्वारा जो मानव विकास सूचकांक जारी किया गया था उसमें ऑस्ट्रेलिया की श्रेणी क्या थी? तो दूसरी है। और 2016 में जो UNDP के द्वारा मानव सूचकांक जारी किया गया था उसमें फर्स्ट श्रेणी किसकी थी? तो वो थी नॉर्वे की। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 150 जो इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है। समझौता एक्सप्रेस दिल्ली और पाकिस्तान के किस शहर के बीच में चलती है? तो इसका आंसर होगा लाहौर। जो समझौता एक्सप्रेस ट्रेन है वो दिल्ली और पाकिस्तान के किस शहर के बीच में चलती है? दिल्ली, भारत की कैपिटल दिल्ली और पाकिस्तान के शहर लाहौर के मध्य चलती है।
इसका हम सोचेगा लाहौर। अगली शिफ्ट की ओर चलते हैं। अगली शिफ्ट की ओर चलते हैं। इसका 27वीं शिफ्ट, इसका पहला क्वेश्चन आपको इसमें बताना है सांकेतिक विनिमय दर देशी मुद्रा के रूप में विदेशी मुद्रा की एक इकाई की कीमत है, तो इसका आंसर हो जाएगा सांकेतिक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉमिनल बोलते हैं, विनिमय दर देशी मुद्रा के रूप में विदेशी मुद्रा की एक इकाई की कीमत है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27वां, 227 एक आगत का, इसमें आंसर बताना है आपको, जिसका आंसर हो जाएगा सीमांत उत्पाद, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है मार्जिनल प्रोडक्ट, जो एक आगत का सीमांत उत्पाद प्रति इकाई आगत में परिवर्तन के कारण जो निर्गत में परिवर्तन होता है वह सभी अन्य आगत स्थिर रखे गए हो को कहा जाता है। आज चलते क्वेश्चन नंबर 228 व्यापार संघ भारत के संविधान की 7वीं सूची में दी गई, तो इसका आंसर समवर्ती सूची में सूचीबद्ध है। आज बोल देता हूँ व्यापार संघ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई समवर्ती सूची में सूचीबद्ध है। दोस्तों जो भारत का संविधान उसमें 3 अनुसूचियाँ दी गई है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, और जो व्यापार संघ है वो भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई समवर्ती सूची में सूचीबद्ध है, सूचीबद्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा समवर्ती। क्वेश्चन नंबर 229वां, जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद जारी किया जाता है उसके लिए, इसका आंसर हो जाएगा प्रतिच्छेद। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 230, 1930 में, तो इसका आंसर हो जाएगा 1930 में अब्दुल गफ्फार खान की गिरफ्तारी के कारण पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुए थे। 1930 में जो उग्र प्रदर्शन हुए थे किसके गिरफ्तारी के कारण हुए थे, वो हुए थे अब्दुल गफ्फार खान की गिरफ्तारी के कारण, इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 231वां, आपको ब्लैंक में आंसर बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुगल, मुगल थे जो ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के परिवर्तित थे। वापस बोल देता हूँ, मुगल थे जो ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के परिवर्तित थे, तो इसका आंसर हो जाएगा मुगल। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 232वां, ब्लैंक में आपको क्वेश्चन बनना है, तो इसका आंसर हो जाएगा दिहांग माखंड, जो दिहांग माखंड के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूरी सीमा के साथ फैल जाता है, जो दिहांग महाखंड है उसके बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूरी सीमा के साथ फैल जाता है, इसका आंसर हो जाएगा दिहांग महाखंड। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 233वां, राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को कौन से दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जोजिला, इसका आंसर हो जाएगा जोजिला, जो राष्ट्रीय मार्ग 1A है वो लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। आज चलते क्वेश्चन नंबर 230वां, मैंजीफेरा इंडिका, जिसका जिसको आम के नाम से जाना जाता है, मैंजीफेरा इंडिका ये आम का वैज्ञानिक नाम है, सोलेनम ट्यूबरोसिस है ये आलू का वैज्ञानिक नाम है, और पैंथर लियो है वो शेयर का वैज्ञानिक नाम है। इन नामों में शब्द इंडिका दे रखा है, ट्यूबरोसम दे रखा है, और लियो किस श्रेष्ठ स्तर पर प्रतिनिधित्व करते हैं, तो क्या दर्शाया जाता है इनके द्वारा, तो इनके दर्शाया जाता है टेक्स्टोन दर्शाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्गक, वर्गक को दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 235वां, निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक उत्पाद जिलेडियम और ग्रेसिलियम से मिलता है, जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवी जीवों के संवर्धन में तथा आइसक्रीम बनाने में किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एगार, जो एगार का प्रयोग आइसक्रीम तथा आइसक्रीम और जेली बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 236वां, टीनिया जिसको फीताकर्मी के नाम से जाना जाता है, फेशियोला जिसको पनकर्मी के नाम से जाना जाता है, किस फाइल में किस संघ के उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेटी हेलमिंथिस के उदाहरण है, जो टीनिया है और फेशियोला है वो प्लेटी हेमिथिस के उदाहरण है, इसका आंसर हो जाएगा प्लेटी हेमिथिस। आए चलते क्वेश्चन नंबर 233वां, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 किलो है तो चंद्रमा पर उसका वजन क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 100 न्यूटन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 100 न्यूटन। दोस्तों 1 किलोग्राम में 9.8 न्यूटन होता है, तो 60 किलोग्राम में आप 600 मान लो, एक बार 10 न्यूटन मान लो, तो 60 किलोग्राम में 10 न्यूटन होगा तो 600 न्यूटन हो जाएगा। अगर पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा, पृथ्वी का द्रव्यमान 1/6 चंद्रमा पे होता है तो 600 का 1/6 कितना होगा 100, तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा 100 न्यूटन, आपसे इसमें न्यूटन पूछा था इसलिए 100 न्यूटन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 238वां, वाहनों के पर्च दर्पण जिसको बोलते हैं साइड मिरर में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर का, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जब वाहनों के जो पीछे की दर्शक देखने के लिए किस उत्तल का, किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जिसको इंग्लिश में कन्वेक्स लेंस बोला जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 239वां, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैक्सिमम होता है फलन तर्क के रूप में पारित मानों में से सबसे बड़े मान को लौटाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्सिमम, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है जब आप मैक्सिमम दबाओगे तो फलन तर्क के रूप में पारित मानों में से सबसे बड़े मान को लौटाता है। क्वेश्चन नंबर 240वां,
अम्ल और क्षार के अभिक्रिया में लवण के साथ और क्या बनता है? तो उसका आंसर हो जाएगा पानी। जब अम्ल और क्षार की एक साथ रिएक्शन कराया जाता है तो उसके साथ लवण और पानी बनता है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 243। गलने की प्रक्रिया को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा संघनन, फ्यूजन के नाम से जाना जाता है। गलने की प्रक्रिया को फ्यूजन या संघनन के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्यूजन। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 242। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख अजीव कारक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा वायु। वायु अजीव कारक नहीं है, जबकि तापमान, जल, प्रकाश ये सभी अजीव कारक है, जबकि वायु अजीव कारक नहीं है, ये एक जैव कारक है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 243। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई मतलब मैं आपको बताना है योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति जाति के लोगों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है, तो इसमें आपको ब्लैंक में से बताने कौन सा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टैंडअप इंडिया स्कीम। जो केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई स्टैंडअप इंडिया स्कीम योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्टैंडअप इंडिया स्कीम। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 244। पोटेशियम की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हम्फ्री ड्रेवी के द्वारा पोटेशियम की खोज की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए पोटेशियम की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो हम्फ्री ड्रेवी के द्वारा की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए सोडियम की खोज किसके द्वारा की गई थी, वो भी हम्फ्री ड्रेवी के द्वारा की गई थी। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 245। 2017 फॉर्मूला 1 बहरीन ग्रैंड प्री का विजेता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेबिस्टियन वेट्टल। जो 2017 में जो बहरीन ग्रैंड प्री आयोजित की गई थी उसका विजेता कौन रहा था? तो उसका विजेता रहा था सेबिस्टियन वेट्टल। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 246। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। हुमायूं का मकबरा है जो भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 247। निम्नलिखित में से ग्रैमी पुरस्कार 2016 वर्ष का रैप एल्बम ऑफ द ईयर विजेता कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों टू पिंप बटरफ्लाई इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 248। इसमें आपको तीन कथन दे रखे हैं, आपको इसमें सही बताना है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट और दूसरा। इसका आंसर हो जाएगा उपन्यास ब्रेव न्यू वर्ल्ड के लेखक एल्डस हक्सले है, ये सही है। उपन्यास एन अफेयर डाउन स्टेजल के लेखक शेरी ब्राउनिंग है, ये भी सही है। तो फर्स्ट और दूसरा दोनों सही है दोस्तों, पहला भी सही है और दूसरा भी आपका सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 249। नई मुक्ति ज्योत छात्रवृत्ति योजना के तहत भारत ने किस देश के स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चे को 35 करोड़ रुपये दिए? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। वापिस बोल देता हूँ, नई मुक्ति ज्योत छात्रवृत्ति योजना के तहत भारत ने किस देश के स्वतंत्रता सेनानी बच्चों को 35 करोड़ रुपये दिए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बांग्लादेश। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की मुद्रा है टका, बांग्लादेश की जो करेंसी है, बांग्लादेश की करेंसी बता दिए टका है, बांग्लादेश की करेंसी है टका, और बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो है ढाका। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका है। और बांग्लादेश की जो वर्तमान प्राइम मिनिस्टर है वो है शेख हसीना। आगे चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 250, जो इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है। कौन सा देश दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? इसमें आपको दे रखा चीन, श्रीलंका, भूटान, भारत। तो दोस्तों इसका आंसर होगा चीन। कौन सा देश दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? तो चीन इसका हिस्सा नहीं है, जबकि भारत, भूटान और श्रीलंका है। इसका आंसर होगा चीन। जो शिफ्ट कवर कर लिए दोस्तों, आगे चलते अब तीन शिफ्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। इस शिफ्ट का क्वेश्चन नंबर 26। उपलब्ध संसाधनों की महत्ता तथा उपलब्ध प्रौद्योगिक ज्ञान के द्वारा उत्पादित की जा सकने वाली सभी वस्तुओं और सेवाओं के सभी संभावित सहयोग के समूह को अर्थव्यवस्था का क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्पादन संभावना सेट कहा जाता है। उपलब्ध संसाधनों की मात्रा तथा उपलब्ध प्रौद्योगिक ज्ञान के द्वारा उत्पादित की जा सकने वाली सभी वस्तुओं और सेवाओं के सभी संभावित सहयोग के समूहों को अर्थव्यवस्था का संभाव्य उत्पादन संभावना सेट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27। यदि एक कीमत पर बाजार आपूर्ति बाजार मांग से अधिक है तो उस कीमत पर बाजार में अधिपूर्ति मतलब एक्सेस सप्लाई कहलाती है। और बोल देता हूँ, यदि एक कीमत पर बाजार आपूर्ति बाजार मांग से अधिक है तो उस कीमत पर बाजार में अधिपूर्ति कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 28। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1972 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत दुकानों, नहाने, घाट, होटल आदि स्थानों पर समान प्रवेश का अधिकार शामिल है? तो ये संविधान का कौन सा अधिकार है? ये समानता अधिकार के अंतर्गत
भारतीय संविधान के कौन सा मौलिक अधिकार है? यह समानता का अधिकार है, जिसके अंतर्गत दुकानों, नहाने, घाट, होटल आदि स्थानों पर समान प्रवेश का अधिकार है। इसका आंसर होगा समानता अधिकार। 30वां क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह में महात्मा गांधी की टोली कितने दिनों तक पैदल चली थी? इसका आंसर होगा 24 दिनों तक पैदल चली थी। क्वेश्चन नंबर 31वां, 12वीं सदी के मध्य में तैमूर राजपूतों को किसके चौहान ने परास्त किया था? इसका आंसर होगा अजमेर के चौहानों ने। 12वीं सदी के मध्य में तैमूर राजपूत को अजमेर के चौहानों ने परास्त किया था, तो इसका आंसर होगा अजमेर के चौहानों। क्वेश्चन नंबर 32वां, भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है, 200 क्षेत्र पर क्या आधार पर? तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा क्षेत्र पर क्या आधार पर देश है? तो इसका आंसर होगा 7वां। अगर जनसंख्या के आधार पर पूछा जाए तो दूसरा हो जाएगा, फर्स्ट नंबर पर चीन है और दूसरे नंबर पर भारत है, तो इसका आंसर होगा 7वां, क्योंकि क्षेत्र के आधार पर पूछा गया तो 7वां। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33वां, उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा अधिकेंद्र। जो उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा अधिकेंद्र। क्वेश्चन नंबर 34वां, पुरुष लिंग सहायक नलिकाओं के अंतर्गत शामिल होती है शुक्रवाहिका, अधिवर्षण, शुक्रवाहक और क्या शामिल होता है दोस्तों? तो इसका जो वर्षण जालिकाएं होती है, रेड टेस्टिस, जिसको बोला जाता है वर्षण जालिकाएं। तो क्वेश्चन नंबर 34वां भी बोल देता हूँ, 34वां, पुरुष लिंग सहायक नलिकाओं के अंतर्गत शामिल होती है शुक्रवाहिका, अधिवर्षण, शुक्रवाहक और वर्षण जालिकाएं, इसका आंसर हो जाएगा। आज चलते क्वेश्चन नंबर 35वां, जब मेरिस्टेम स्थायी ऊतकों के बीच होता है तब उसमें मेरिस्टेम कहते हैं, किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्वेशी को, इंट्राकेल्युलरी को, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अंतर्वेशी हो जाएगा। जब मेरिस्टेम स्थायी ऊतकों के बीच होता है तब उसे अंतर्वेशी मेरिस्टेम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36वां, निम्न में से किस फाइलम को चपटेकर्मी भी कहा जाता है? दोस्तों आपको इसमें चार ऑप्शन बताना है, निम्न में से किस फाइलम को चपटेकर्मी भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेटी हेलमिथिस को चपटेकर्मी भी कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेटी हेलमिथिस को चपटेकर्मी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37वां, औसत वेग का सूत्र आपको बताना है, यू प्लस वी अपॉन टू दे रखा है, तो इसमें यू क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा प्रारंभिक वेग और वी हो जाएगा अंतिम वेग। तो दोस्तों औसत वेग के सूत्र में आपसे वी के बारे में पूछा जाए तो वी को किससे डिनोट किया जाता है? इसको डिनोट किया जाता है इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38वां, महिलाओं के वाहक तंतु पुरुष के वाहक तंतु की तुलना में 5 मिमी कम लंबे होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 मिमी होते हैं कम लंबे। पुरुष के वाहक तंतु की बात की जाए तो वो 12 मिमी के होते हैं, तो महिलाओं के जो वाहक तंतु होंगे वो 7 मिमी के होंगे, क्योंकि पुरुषों के वाहक तंतु 5 मिमी लंबे होते हैं। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 39वां, वेब में वेब पेजों और प्रोग्रामों के अनुरोध के लिए और उन्हें पूरा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTTP लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। जो वेब में वेब पेज और प्रोग्राम के अनुरोध के लिए और उन्हें पूरा करने के लिए HTTP का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों HTTP। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 40वां, अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा टार्टरिक एसिड, जो अंगूर में टार्टरिक एसिड पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा टार्टरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 41वां, इनमें से किस रेशे को कर्सिम रेशा कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा रेयोन, रेयोन को कर्सिम रेशा भी कहा जाता है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 42वां, गत शताब्दी में पृथ्वी के तापमान में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी? तो इसका आंसर होगा 0.6% की वृद्धि हुई थी, 0.6%। क्वेश्चन नंबर 43वां, समाज के कमजोर वर्ग को वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने कौन सी योजना प्रारंभ की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री जनधन योजना चालू की थी। किस लिए की गई थी? समाज के कमजोर वर्ग को वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जनधन योजना चालू की थी। क्वेश्चन नंबर 44वां, अरुण घरे की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर विलियम हर्शल के द्वारा अरुण घरे की खोज की गई थी, जिसको इंग्लिश में अरुण घरे को इंग्लिश में यूजेनस घरे भी कहा जाता है, इसकी खोज विलियम हर्शल के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 45वां, कौन सा देश 2015 रग्बी विश्व कप पुरस्कार मेजबान था? जो 2015 में रग्बी विश्व कप आयोजित किया गया था उसकी होस्टिंग कौन सी कंट्री के द्वारा की गई थी? तो उसकी होस्टिंग की गई थी इंग्लैंड के द्वारा, जिसका आंसर होगा इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 46वां, नालंदा महाविद्यालय का निर्माण शुरू में किसने करवाया था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों कुमार गुप्त ने, जो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमार गुप्त ने करवाया था, जो गुप्त वंश का शासक था। क्वेश्चन नंबर 47वां, किसे वर्ष 2016 में रासायनिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा जे माइकल कोस्टल लिटच को 2016 में रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है, जबकि जीन पियरे सेवेज को मिला है, सर जे फ्रेजर स्टोडर को मिला है, बर्नार्ड एल के फेरिंगा को मिला है। तो दोस्तों दूसरा जो ऑप्शन है जे माइकल कोस्टल, इसको 2016 में रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। क्वेश्चन नंबर 43वां, इसमें आपको कथन बताना है, तीन ऑप्शन दे रखे इसमें कौन सा सही है? तो दोस्तों इसका फर्स्ट और तीसरा सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन है वो गलत है। उपन्यास मिसाइल गेप के लेखक चार्ल्स स्ट्रॉस से, ये भी सही है। उपन्यास द सिटी एंड द सिटी के लेखक चाइना मियेबियल है, ये भी सही है, जबकि उपन्यास बर्ड बॉक्स के लेखक विक्टर लावले है, ये गलत है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 49वां, वर्ष 2015-16 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा विदेशी निवेश गंतव्य था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मॉरीशस,
जो 2015-16 में जो भारत देश में जो सबसे बड़ा विदेशी निवेश किया गया था वो कौन से कंट्री के द्वारा किया गया था? वो किया गया था मॉरिशस कंट्री के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा मॉरिशस। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 50वां, जो इस का लास्ट क्वेश्चन है, चीन अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। तो चीन है उसकी जो सीमा लगती है अरुणाचल प्रदेश से लगती है, हिमाचल प्रदेश से लगती है, सिक्किम से लगती है दोस्तों, बिहार से नहीं लगती। तो इसका राइट आंसर होगा बिहार। उनतीसवीं शिफ्ट इसका क्वेश्चन जीके का पहला, भारत में आर्थिक सुधार नीतियाँ किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1991 में भारत में आर्थिक सुधार नीतियाँ प्रारंभ की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1991। आज चलते क्वेश्चन नंबर 27 की ओर, एक फर्म का ब्लैक में आपको आंसर बनना है, एक फर्म का उत्पादन फलन उपयोग में लाए गए आगतों तथा फर्म द्वारा उत्पादित निर्गतों के मध्य का संबंध है। इसका आंसर हो जाएगा उत्पादन फलन। आज चलते क्वेश्चन नंबर 128वां, इसमें आपको सही आंसर बनना है, जो सलाहकार न्यायिक क्षेत्र जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एडवाइजरी जुरिडिक्शन। सलाहकार न्यायिक क्षेत्र का मतलब है कि भारत के राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक हित संबंधित मामले को या जिसमें संविधान की व्याख्या शामिल हो उसे सलाह के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास भेज सकते हैं। मैं वो छोटा करके दिखा देता हूँ क्वेश्चन को जिससे आप देख सको। सलाहकार न्यायिक क्षेत्र का मतलब है कि भारत के राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक हित संबंधित मामलों को या जिससे संविधान के व्याख्या शामिल हो उसे सलाह के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास भेज सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सलाहकार न्यायिक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 129वां, त्रिपुरा में कुल एक संसदीय सीटें राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एक। अगर त्रिपुरा में बात की जाए तो कितनी राज्यसभा सीटें हैं? तो वो एक सीट हो जाएगी। त्रिपुरा की बात करें, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 130वां, अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को आसाम में किस चीज़ को उगाने के लिए मजबूर करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चाय। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को असम में चाय उगाने के लिए मजबूर करते थे, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चाय। क्वेश्चन नंबर 131वां, चोल वंश भारत के किस भाग में अधिकतर शासन करते थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण। जो चोल वंश है भारत के दक्षिण भारत में अधिकतर शासन करते थे। क्वेश्चन नंबर 132वां, समय के साथ वृषप लूप नदी से कट जाते हैं? जो समय के साथ ये वृषप है वो लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे किस नाम से जाना जाता है? जिसे जाना जाता है चाप झील के नाम से और इंग्लिश में इसको बोला जाता है ऑक्सबो के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 133वां, महासागर की प्रपट्टी मुख्यतः सिलिका और किसकी बनी होती है? तो दोस्तों बनी होती है मैग्नीशियम। जो महासागर की जो प्रपट्टी होती है प्रपट्टी वो मुख्य सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 134वां, प्राइमेटागण जिसमें बंदर गोरिल्ला और गिब्बन आते हैं इन्हें मैमिलिया वर्ग में कारिनोवोरागण के साथ रखा जाता है, जिसमें क्या शामिल होता है? इसमें शामिल होता है बाघ बिल्ली और कुत्ता। इसका आंसर हो जाएगा बाघ बिल्ली और कुत्ता। प्राइमेटागण है जिसमें बंदर गोरिल्ला और गिब्बन आते हैं और इन्हें मैमिलिया वर्ग के कार्निवोरा गण के अंतर्गत रखा जाता है, इसमें क्या क्या शामिल होते हैं? इसमें होता है बाघ बिल्ली और कुत्ता। तो इसका आंसर होगा बाघ बिल्ली और कुत्ता। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 135वां, मूल में प्रोटोजाइलम परिधि की ओर होते हैं और मेटाजाइलम केंद्र की ओर होते हैं, इस प्रकार के जालम को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इस प्रकार के जालम को कहा जाता है बाह आदिदारुक एक्सरस कहा जाता है, ये पहले भी मैंने बताया था आपको। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 136वां, इनमें से कौन सा मोलस्का संघ का एकमात्र उदाहरण है? तो दोस्तों इसका आंसर ऑक्टोपस है जो मोलस्का संघ का एकमात्र उदाहरण है, जबकि टिड्डा तितली बिच्छू मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है, ऑक्टोपस है जो मोलस्का संघ से संबंधित है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 137वां, यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है तो उस वस्तु की चाल को क्या कहा जाता है? तो उस वस्तु को चाल कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म असमान चाल कहा जाता है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 138वां, ऐसे पदार्थ जो घर्षण कम करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं स्नेहक लुब्रिकेंट कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो घर्षण को कम करने का काम करते हैं वो लुब्रिकेंट कहलाते हैं, जिसका आंसर हो जाएगा लुब्रिकेंट। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 139वां, निम्नलिखित में से किस प्रचालन प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम के नोट पैड पर एक टेक्स्ट संपादक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विंडोज के अंदर होता है वो नोट पैड पाया जाता है, नोट पैड होता है। क्वेश्चन नंबर 140वां, मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसको MgO प्लस जल H2O मिलकर क्या बनाते हैं? तो ये बनाते हैं Mg(OH)2 बनाते हैं। जब मैग्नीशियम को H2O के साथ मतलब जल के साथ क्रिया कराई जाती है तो बनता है Mg(OH)2 बनता है। क्वेश्चन नंबर 141वां, ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो उसको प्रदर्शित किया जाता है किलो जूल अपॉन किग्रा से प्रदर्शित किया जाता है ऊष्मीय मान को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 142वां, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जिसको CPCB के नाम से जाना जाता है के अनुसार माइक्रोमीटर या कम व्यास के आकार के कणिकीय पदार्थ मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक नुकसानदायक है? तो कितने मिमी के? 2.5
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार 2.5 माइक्रोमीटर या इससे कम व्यास के आकार के कणिके पदार्थ मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2.5 मिमी। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 143वां, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई कौन सी योजना है, बता देता हूँ मैं आपको, महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई महात्मा गांधी प्रवासी योजना एक विशेष सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसमें पेंशन और जीवन बीमा शामिल है। आज चलते क्वेश्चन नंबर 144वां, स्पेस पेन का आविष्कार किसने किया था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पॉल सी फिशर के द्वारा, स्पेस पेन का आविष्कार किया गया था पॉल सी फिशर के द्वारा। आज चलते क्वेश्चन नंबर 145वां, 2015 रग्बी विश्व कप पुरुष उपविजेता कौन था, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया था, जो 2015 में रग्बी विश्व कप पुरुष विजेता उपविजेता पूछा जाए तो उसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 146वां, हम्पी के स्मारकों के समूह का निर्माण किसने कराया था, तो दोस्तों उसका आंसर हो जाएगा हरिहर और बुक्का, हरिहर और बुक्का दो नामक व्यक्तियों ने हम्पी के स्मारकों का समूह का निर्माण कराया था, जो हम्पी है वो कर्नाटक में स्थित है। आज चलते क्वेश्चन नंबर 147वां, निम्नलिखित में से वर्ष 2017 में आयोजित 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला था, तो मिला था कासव फिल्म को, जो 2017 में जो आयोजित 64वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड हुए थे उसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया था कासव मूवी को, तो इसका आंसर हो जाएगा कासव। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 148वां, इसमें आपको बताना है निम्न दिए गए कथन में से कौन से कथन सही है, आपको तीन कथन दिए गए उसमें से आपको बताना है कौन से कथन सही है, तो पहला और दूसरा जो कथन है वो सही है जबकि जो तीसरा कथन है वो गलत है। पहला, उपन्यास फेल साइड के लेखक विक्टर लावले है, ये सही है। उपन्यास हेड फुल ऑफ द घोस्ट के लेखक एम आर कैरी है, ये भी सही है। जबकि जो तीसरा ऑप्शन है उपन्यास ब्रेव न्यू वर्ल्ड के लेखक एल्डर हक्सले, ये गलत है। तो पहला और दूसरा आपका सही है, जो फेल साइड पुस्तक के लेखक वो विक्टर लावले है और हा हेड फुल ऑफ घोस्ट के लेखक के वो एम आर कैरी है। आज चलते क्वेश्चन नंबर 149वां, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित मानव विकास सूचकांक 2016 में किस देश को प्रथम स्थान मिला था, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नार्वे, ये क्वेश्चन पहले भी आया था, इसका आंसर हो जाएगा नार्वे को 2016 में जो यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी की गई थी उसमें नार्वे की रैंक फर्स्ट थी। क्वेश्चन नंबर 150वां, जो इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित मुहाने का नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा सर क्रिक, तो भारत और पाकिस्तान के मुहाने पर जो स्थित रेखा है उसका नाम है सर क्रिक। आगे चलते हैं तीसरी शिफ्ट की ओर, दो जो तीसरी शिफ्ट है इस वीडियो की लास्ट शिफ्ट है। क्वेश्चन नंबर 226वां, जो इस शिफ्ट का पहला क्वेश्चन जीके का, इसमें दे रखा चालू लेखा के घाटे को विदेशों से प्राप्त निवल पूंजी प्रवासी वित्त पोषित किया जाता है, इस प्रकार पूंजी खाता आदि के हो, तो दोस्तों इसका आंसर चालू खाता करंट अकाउंट है, उसके घाटे को विदेशों से प्राप्त निवल पूंजी प्रवासी वित्त पोषित किया जाता है, इस प्रकार पूंजी खाता आदि के हो। क्वेश्चन नंबर 227, तो इसका आंसर हो जाएगा 227 का, औसत उत्पाद एवरेज प्रोडक्ट होता है, औसत उत्पाद की प्रति इकाई परिवर्तित आगत के रूप में परिभाषित किया जाता है, औसत उत्पाद की प्रति इकाई परिवर्तित आगत के रूप में परिभाषित की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा औसत उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 228, भूमि तथा भवन पर लगने वाले कर भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राज्य, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राज्य सूची में सूचीबद्ध है। जो भूमि तथा भवन कर लगाए जाते हैं वो राज्य सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं, इसलिए भूमि तथा भवन पर लगने वाले कर भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई राज्य सूची में सूचीबद्ध है। क्वेश्चन नंबर 229वां, महाराष्ट्र में कुल कितनी संसदीय सीटें राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 19 सीटें हैं महाराष्ट्र में राज्यसभा की। क्वेश्चन नंबर, महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की जो राजधानी वो है मुंबई। आज चलते क्वेश्चन नंबर 230, अकबर कितने वर्ष की आयु में सम्राट बना था, तो इसका आंसर हो जाएगा 13 वर्ष की आयु में, जो अकबर था वो 13 वर्ष की आयु में सम्राट बना था। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 231, सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गजनी, जो सुल्तान मोहम्मद था वो गजनी का शासक था। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 232, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वो मोरदार मार्ग पर बहने लगती है, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है विसर्प या इंग्लिश में बोला जाता है मिंडर्स, इन्हें विसर्प के नाम से जाना जाता है। अब बोल देता हूँ, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है और वह मोरदार मार्ग पर बहने लगती है तो इन्हें विसर्प के नाम से जाना जाता है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 233, मृदा संरक्षण की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों घास
मर्दा का उपयोग किया जाता है और अधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयाँ बनाई जाती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा समुच्चय रेखा रोधिका, इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 234। पुरुष जनन तंत्र के शरीर में वर्षण उदर गुहा के बाहर एक थैली में स्थित होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्षण कोष, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्रोटम कहा जाता है। वर्षण कोष इसका आंसर हो जाएगा। वैसे बोल देता हूँ, पुरुष जनन तंत्र के शरीर में वर्षण उदर गुहा के बाहर एक थैली में स्थित होते हैं, जिन्हें वर्षण कोष कहा जाता है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 235। निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल के तीन प्रमुख वर्गों में से नहीं है? दोस्तों इसका आंसर होगा जिम्नोस्पर्म, जबकि क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी ये तीनों ही शैवाल के प्रमुख वर्ग है, जबकि जो जिम्नोस्पर्म है ये शैवाल के प्रमुख वर्ग नहीं है। तो दोस्तों इसलिए इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 236। साइकन जिसको साइपा बोला जाता है, स्पंजिला स्वच्छ जलीय स्पंज और स्पंजिया जिसको बात स्पंज कहा जाता है, किस संघ के उदाहरण है? तो दोस्तों ये इसका आंसर हो जाएगा पोरीफेरा संघ के उदाहरण है। वापिस बोल देता हूँ, जो साइकन है, स्पंजिला है और स्पंजिया है, ये किस संघ के उदाहरण है? ये है पोरीफेरा संघ के उदाहरण है, पोरीफेरा फाइलम के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 233। यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की गति की विपरीत दिशा में होती है, तो वस्तु की गति किस प्रकार की होगी? तो इसका आंसर कम होती है। वापिस बोल देता हूँ, यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होता है, तो वस्तु की गति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 238। त्वरण का जो एक्सेलरेशन होता है उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? तो उनकी ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। क्या होती है? मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। इसको इस प्रकार से डिनोट किया जाता है, मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, मीटर प्रति वर्ग सेकेंड होती है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 239। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो मिनिमम होती है वो फलन तरक के रूप में पारित मानों में से सबसे कम छोटे मान को लौटाती है, और मैक्सिमम की बात की जाए तो वो सबसे अधिक मानों को लौटाती है। दोस्तों यहाँ पे सबसे कम मानों की बात की जाए रही तो मिनिमम होगा, क्योंकि लीस्ट लीस्ट ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नहीं होता, मिनिमम होता है जो सबसे कम मानों को लौटाती है। क्वेश्चन नंबर 240। अग्निशामकों में कौन सी गैस निकलती है? तो इसका होगा कार्बन डाइऑक्साइड। जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है उसमें आग को बुझाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? वो क्या जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 241। मैग्नीशियम को जलाने पर क्या बनता है? जब अपन मैग्नीशियम को जलाएंगे तो क्या बनेगा? तो बनेगा भस्म, राग बन जाती है। मैग्नीशियम को जलाने पर राग उत्पन्न होती है, जिसको भस्म या एस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 242। लवण की सांद्रता प्रति हज़ार भाग में लवणता के रूप में मापी जाती है, अतः स्थलीय जल में कितने परसेंट से कम होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर 5% से कम होती है। जो लवण की सांद्रता है प्रति हज़ार भाग में लवणता के रूप में मापी जाती है, अतः स्थलीय जल में यह 5% से कम होती है। दोस्तों इसका आंसर 5%। क्वेश्चन नंबर 243। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई ब्लैंक आपको कौन सा बताना है? योजना का उद्देश्य ग्रामीण आजीविका में सुधार लाना है और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना तथा पूरे देश में पंचायती राज को मजबूत करना है, तो कौन सी योजना है? तो दोस्तों ये योजना का नाम है ग्राम उद्देश्य भारत उदय अभियान, ग्राम उद्देश्य भारत उदय अभियान। मैं बोल देता हूँ, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई ग्राम उद्देश्य भारत उदय अभियान योजना का उद्देश्य ग्रामीण आजीविका में सुधार लाना है और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना तथा पूरे देश में पंचायती राज को मजबूत करना है। क्वेश्चन नंबर 244। फोटोन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा फोटोन की खोज की गई थी। अगर प्रोटीन की बात की जाए तो प्रोटोन की खोज की गई थी वो रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी, और फोटोन की बात की जाए तो वो अल्बर्ट आइंस्टीन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन। क्वेश्चन नंबर 245। 2016-17 प्रीमियर लीग फुटबॉल का विजेता कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा चेल्सी। जो चेल्सी टीम थी वो 2016-17 प्रीमियर लीग फुटबॉल की विजेता टीम थी। क्वेश्चन नंबर 246। गोल गुंबद को किसने बनवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दाबुल के याकूत ने। यहाँ बनवाने की बात नहीं की जा रही दोस्तों, अगर गोल गुंबद की बात की जाए किसने बनाया तो बनाया था आदिल शाह ने। यहाँ बात की जा रही है गोल गुंबद को किसने डिजाइन किया था, तो ये डिजाइन किया गया था दाबुल के याकूत के द्वारा, जो दाबुल के याकूत के द्वारा गोल गुंबद को डिजाइन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 247। निम्नलिखित में से ग्रैमी पुरस्कार 2016 वर्ष का कंट्री सॉन्ग ऑफ द ईयर विजेता कौन सा था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गर्ल क्रश। जो निम्नलिखित में से ग्रैमी पुरस्कार 2016 वर्ष का जो कंट्री सॉन्ग ऑफ द ईयर विजेता कौन था, तो वो था गर्ल क्रश था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 248। इसमें आपको तीन ऑप्शन दे रखे हैं और इसमें आपको सही बताने कौन सा सही नहीं है, तीन में से कौन सा सही नहीं है, तो तीनों ही गलत है। तो आपका दोस्तों तीनों ही गलत है। उपन्यास बर्ड बॉक्स के लेखक विक्टर लावले गलत है। उपन्यास द डेविल इन सिल्वर के लेखक जोश मेलमैन ये भी गलत है। उपन्यास फेल साइड के लेखक विक्टर लावले ये भी गलत है।
आज के लिए क्वेश्चन नंबर 249 अप्रैल 2017 में बढ़ती बेरोजगारी को संबोधित करने के लिए किस देश ने हजारों अस्थायी विदेशी श्रमिकों द्वारा उपयोग किए गए 497 वीजा कार्यक्रम को समाप्त कर दिया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, इसका आंसर हो जाएगा। अभी बोल देता हूँ, अप्रैल 2017 में बढ़ती बेरोजगारी को संबोधित करने के लिए किस देश ने हजारों अस्थायी विदेशी श्रमिकों द्वारा उपयोग किए गए 497 वीजा कार्यक्रम को समाप्त कर दिया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 250 जो शिप का लास्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है, SARC कृषि केंद्र किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ढाका में स्थित है। जो SARC कृषि केंद्र है वो किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ढाका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में SARC कृषि केंद्र स्थित है। दोस्तों इस वीडियो में हमने 5 शिप कवर कर ली है। दोस्तों टोटल 3 वीडियो हो चुके हैं जिसमें हमने 30 शिफ्ट इसमें कवर कर लिए, बाकी जो 13 शिफ्ट बची है वो जल्दी कवर कर ली जाएगी। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे जब भी ये वीडियो आपको पोस्ट की जाएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जिनका भी कल पेपर है तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना, और जिनका भी आने वाले दिनों में SSCGL का पेपर उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना जिससे उनको पता चल सके कि पिछली बार किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे और ये क्वेश्चन ही आने वाले एग्जाम में भी रिपीट होंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों इस वीडियो देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।